भी आपके यहाँ मूर्ति का स्टार्टिंग प्राइस क्या है? 1000 से चालू है। इस साल 1000 से चालू है। काफ़ी बड़ी बड़ी और सुंदर मूर्तियाँ बनाई जा रही। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल सफ़र छत्तीसगढ़। आज मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ थनौत का गणेश मूर्ति दिखाने के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था मुझे कि थनौत का गणेश मूर्ति दिखाइए करके, तो आज मैं आप लोगों को थनौत का गणेश मूर्ति दिखाने के लिए लेकर आ गया हूँ। और देख ही सकते हैं आप, थनौत में इस तरह से गणेश मूर्ति बनकर रेडी हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको लेकर आ गया हूँ मेघू राम चक्रधारी के यहाँ। यहाँ आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जा रही है और कौन कौन से रूप में यहाँ पर गणेश जी को तैयार किया जा रहा है, दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ लास्ट में आपको बताऊँगा यहाँ के मूर्तिकार से थोड़ा सा पूछकर कि किस तरह से यहाँ पर रेट है और कितना फीट की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई जा रही है, सब चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे इस वीडियो में बने रहिए। बाकी आप देख ही सकते हैं कुछ इस तरह से बड़ी बड़ी मूर्तियाँ इस पर बनाई जा रही है। काफ़ी बड़ी बड़ी और सुंदर मूर्तियाँ बनाई जा रही है। देख सकते हैं ये वाला जो गणेश जी है, ये माता रिद्धि सिद्धि के साथ बैठे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर पुट्टी वगैरह सब किया जा चुका है मूर्तियों में। बाकी और भी मूर्तियाँ आपको दिखाते हैं एक एक करके, सभी मूर्तियाँ यहाँ पर हर तरह की मूर्ति बन रही है, हर साइज में। जैसे कि ये वाला मूर्ति देखिए, लगभग 3 से 4 फीट की मूर्ति है और कुछ इस तरह से है डिजाइनिंग में, देख ही सकते हैं अलग अलग रूप में बनाया जा रहा है। इसके अलावा छोटी मूर्ति भी है बहुत सारी और बड़ी मूर्ति भी है, वहाँ पर देखिए वो बड़ा वाला मूर्ति है। तो यहाँ से पूरा स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक करके सभी मूर्तियों को दिखाते हैं। देखिए ये 3 से 4 फीट की मूर्तियाँ देख ही सकते हैं, लगभग रेडी हो चुका है और देखिए आप अलग अलग रूप में हैं। बस इसको कलर करना बाकी है, अगले महीने तक ये कलर हो जाएगा। यानी कि 31 अगस्त तो गणेश पक्ष है, तो अगस्त के स्टार्टिंग में कलर हो जाएगा। ये सब जो मूर्तियाँ दिख रही है, ये वाला मूर्ति देखिए, ये 2 फीट की मूर्ति है और छोटी मूर्तियों में भी बहुत ही डिजाइनिंग किया गया है। देखिए अलग अलग रूप में बनाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर सुंदर रूप है। ये वाला लाइन में तो पूरा छोटी छोटी मूर्तियाँ और सभी में पुट्टी किया जा चुका है। बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, 5 मुंडी वाला सब, मतलब बहुत सारा मूर्ति है। गणेश जी के अलावा यहाँ पर माता की भी मूर्तियाँ लगभग रेडी हो चुकी है, ये देख सकते हैं। माता की भी मूर्तियाँ यहाँ पर अलग अलग रूप में बनाया जा चुका है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके अलावा ये वाला देखिए, ये सब श्रृंगार होने के बाद, कलर होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बाकी देखिए छोटी मूर्तियाँ भी इधर बहुत सारी रखी गई है। ये सब का स्टार्टिंग प्राइस मैं आपको बताऊंगा लास्ट में यहाँ के मूर्तिकार से बातचीत करके। बाकी आप देखिए बहुत सारी मूर्तियाँ रखी गई है, गणेश जी के अलावा यहाँ पर माता की भी मूर्तियाँ बनाई जा चुकी है। और गणेश पक्ष के बाद जैसे कि आप जानते हैं, फिर उसके बाद फिर माता का स्थापना किया जाता है, तो वो भी मूर्तियाँ लगभग बनना स्टार्ट हो गया है। कुछ यूनिक यूनिक मूर्तियाँ इस साल देखने को मिल रही है। और ये वाला भी मूर्ति देखिए कुछ यूनिक है, नीचे शेर जो है वो उठाए हुए आसन को और ऊपर माता रानी बैठे हुए हैं। अलग अलग रूप में, बहुत ही सुंदर सुंदर रूप में माता रानी का मूर्ति यहाँ पर है। इसके अलावा गणेश जी को देखिए, ये बहुत ही बड़ा है और लगभग 6 से 7 फीट की मूर्ति होगी, लगभग ये 6 से 7 फीट की मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत। हमारे साथ अंजुरा के मूर्तिकार भी आए हैं भाई घूमने के लिए हमारे साथ और मूर्ति देख रहे हैं। उनके यहाँ भी मूर्ति का वीडियो आ ही चुका है चैनल पर, आप देख ही सकते हैं। बाकी घूम रहे हैं यहाँ भाई, मूर्ति देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है देखने में, अच्छा अच्छा मूर्ति बनाया गया है। देखिए इधर भी देखिए बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई है। काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं अलग अलग रूप में। देखिए इस पार भी रखा गया है मूर्तियों को, देख सकते हैं गणेश जी का ये वाला रूप और इधर माता रिद्धि सिद्धि के साथ।
इधर दुर्गा माता की भी प्रतिमा रखी गई है, तो चलिए देखते हैं दुर्गा माता की प्रतिमा। ये देखिए ये वाला मूर्ति, उधर भी बहुत सारी मूर्तियों को रखा गया है और ये लगभग रेडी हो चुका है, इसमें भी फिनिशिंग और कलर करना बाकी है। तो गणेश जी के अलावा यहाँ पर माता का भी अलग अलग रूप में मूर्तियाँ तैयार किया जा रहा है। देखिए राक्षस नीचे लेटे हुए हैं और शेर हमला कर रहा है। तो थनौद में हम यहाँ पर मेघूराम चक्रधारी जी के यहाँ आए थे और हमारे साथ मेघूराम भैया जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पर इनका इनके यहाँ मूर्तियों का स्टार्टिंग प्राइस क्या है। भैया आपके यहाँ मूर्ति का स्टार्टिंग प्राइस क्या है? 1000 से चालू है। इस साल 1000 से चालू है? अच्छा, और कितने फीट तक की मूर्तियाँ आपके यहाँ बन रही है इस साल? 11 फीट तक की। अच्छा, तो लोग कैसे आपके यहाँ बुकिंग कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कैसे रहते हैं? फ़ोन नंबर से बात करेंगे तो फ़ोन नंबर के माध्यम से भी आप यहाँ पर मूर्ति बुकिंग कर सकते हैं। और जैसे फ़ोटो कोई देता है तो फ़ोटो से बन जाता है आपके? हाँ, बन जाता है। तो फ़ोटो अगर आप देते हैं तो फ़ोटो के माध्यम से भी यहाँ पर मूर्तियाँ बन जाती है और लगभग 1000 रुपये से यहाँ पर भैया के यहाँ मूर्ति स्टार्ट है और छोटी सी छोटी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई जा रही है। अगर आप छोटी मूर्तियाँ भी लेते हैं तो यहाँ मिल जाता है। भैया अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिए वीडियो में। 88 6253। तो ये नंबर है भैया का, भैया को कॉल करके आप किसी भी तरह की मूर्तियाँ को बुकिंग कर सकते हैं। जितने भी आप मूर्ति वीडियो में देखें उसका स्क्रीनशॉट लेके भैया से बातचीत करके आप मूर्तियों को बुकिंग कर सकते हैं। तो ये थे थनौद में मेघूराम चक्रधारी के यहाँ का मूर्ति कला केंद्र। और यहाँ का मूर्ति आपको कैसा लगा, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइएगा। और जैसे ही कलर होता है मैं आपको यहाँ का वीडियो और भी दिखा दूँगा कि कलर होने के बाद किस प्रकार से सारी मूर्तियाँ दिख रही है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। और गणेश पक्ष के पहले और गणेश पक्ष के बाद पूरा अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।